वेलकम टू अनदर लेक्चर। ओके, और इस लेक्चर में हम जैकोबियन वाला जो चैप्टर है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जैकोबियन के लास्ट में हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था और उसको हमने सरसरी निगाह से बता दिया था कि ऐसे होगा, लेकिन फिर हमें लगा कि ये क्वेश्चन हमें आपको सॉल्व करवाना चाहिए, तो हम उस क्वेश्चन को हमने कंटिन्यू किया है। और इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल समझिए इस वीडियो में, और मुमकिन है हम दो एक और क्वेश्चन इसी तरह का कवर करें, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन आपका है कि इफ एक्स इक्वल आपको दिया हुआ है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, देन शो दैट डेल एक्स वाई जेड इक्वल डेल आर थीटा फाई अपॉन डेल आर थीटा फाई इक्वल आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, जब इस तरह की सिचुएशन हो, डेल्टा कोई वेरिएबल हो, फिर नीचे भी डेल्टा के साथ कोई वेरिएबल टाइप की चीज हो, तो इसको इसी को हम जैकोबियन कहते हैं, इस फॉर्मूले को। तो जैकोबियन निकालने का सबसे अच्छा है, अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा बाय द वे टिपिकल लगे कि कैसे याद करें, तो सिंपल ये रखिए, ऊपर जितने भी वेरिएबल हैं, अब ये एक्स वाई हो सकता है, यहां आर थीटा हो सकता है बस, यहां एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो सकता है, यहां आर थीटा फाई डेल्टा हो सकता है, तो जो भी ऊपर वेरिएबल है उसको रो वाइज लिख लीजिए। जैसे देखिए एक्स वाई जेड है, तो रो वाइज डेल्टा एक्स लिखिए, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स, फिर वाई है तो डेल्टा वाई डेल्टा वाई डेल्टा वाई, फिर जेड एक वेरिएबल है ऊपर, तो डेल्टा जेड डेल्टा जेड डेल्टा जेड। ओके, उसके बाद जो नीचे आपका ये पोर्शन बच रहा है आर थीटा फाई, आर को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, थीटा सेकेंड कॉलम में, फाई थर्ड कॉलम में डिवाइड के साथ। तो आपने डिवाइड किया, फर्स्ट कॉलम आपने डेल्टा आर कर दिया, देखिए डिवाइड के साथ, सेकेंड कॉलम ठीक है डिवाइड के साथ थीटा डेल्टा थीटा कर दिया, थर्ड कॉलम डिवाइड के साथ डेल्टा फाई कर दिया। तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है, इससे आपको जैकोबियन की कोई प्रॉब्लम आएगी, कम से कम आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। ओके, अब आप देखिए, यहां पे भी आपको, हमने आपको जैसे पिछले लेक्चर में बताया था जैकोबियन के, आपको यहां पे भी यूज जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही करना है, फॉर्मूला वही लगना है, मेथड वही है, ठीक है। बस एडिशन क्या हो जाता है, एडिशन ये पार्ट हो जाता है कि ये कैसे, ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद यहां वैल्यू पुट कर देनी होती है। ओके, चलिए अब देखिए, जो यहां पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें सॉल्व करने हैं। तो हमने देखिए सारे सॉल्व किए हैं, अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आर, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा आर और एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर से समझ लीजिए, ताकि आपको इसी के साथ वो पोर्शन भी क्लियर हो जाए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वो यहां नए सिरे से आप समझना चाहें समझ सकते हैं। देखिए डेल्टा अपॉन डेल्टा आर और एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो आपने डेल्टा अपॉन डेल्टा आर लिखा और एक्स की वैल्यू लिख दी, एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में, देखिए आपको क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू यहां दी हुई है, आर साइन थीटा कॉस फाई। ओके, तो अब आपको देखो यहां पे क्या है, डेल्टा आर, तो जो कुछ आर के साथ होगा वो तो यहीं रहेगा, बाकी सारा बाहर हो जाएगा। मीन्स आर वेरिएबल अगर है, आर स्क्वायर है, अंडर रूट आर है, साइन आर है, तो वो तो रहेगा यहां पे, इसके अलावा जो कुछ भी है वो आउट कर देंगे आप, वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो देखिए यहां सिर्फ आर है, और आर के अलावा साइन थीटा में भी आर नहीं है, कॉस फाई में भी आर नहीं, तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, और सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा आर को। और आप जानते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स ये क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, डेल्टा ऑफ डेल्टा आर, और किसका डिफ्रेंशिएशन करना है आर का, तो ये हो जाएगा 1, दैट मीन्स यही चीज आपकी बचेगी, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई आपने रख दिया। ओके, सिमिलरली इन द सेम मैनर, आप देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा थीटा, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा और एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी। यहां पे भी आप देखिए, यहां किसके रिस्पेक्ट में करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो थीटा वाला पार्ट इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे अगले पार्ट में, और बाकी जो कुछ है थीटा के अलावा जो कुछ है वो इंडिपेंडेंट हमारा कहलाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और वो हमारा कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। जैसे यहां आर कॉस फाई, आर कॉस फाई में थीटा इन्वॉल्व नहीं है, तो आर कॉस फाई बाहर हो जाएगा, और डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा और साइन थीटा इन्वॉल्व है, तो साइन थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सिंपली क्या होता है, कॉस थीटा, तो वही हो जाएगा साइन डेल डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, और ये आर कॉस फाई एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये गलत सा हो गया था तो हमने इसको कट कर दिया, तो और कर लीजिए। ओके, अब देखिए डेल एक्स अपॉन, देखिए हम ये कर क्या रहे हैं, हम ये फर्स्ट रो को कवर कर रहे हैं, फिर इसी तरह हम सेकंड रो को सॉल्व करेंगे, थर्ड रो को सॉल्व करेंगे। अब आपकी अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप यहीं पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, लेकिन चूंकि ये लेंथी वैल्यू है तो शायद पेज में ना आए,
तो आप अलग भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहां पे भी अगले स्टेप में ये मैट डिटर्मिनेंट या सारणिक जो है बड़ी बना के आप वहां पे डायरेक्ट दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिलहाल इसे हमें समझाना मकसद है, इसलिए हम इसको अलग से कवर कर रहे हैं। अब देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई, ये पार्ट, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा फाई लिखिए और एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहां देखिए फाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो फाई वाला पार्ट तो अंदर ही रहेगा, बाकी चीजें बाहर हो जाएंगी, आर साइन थीटा ये बाहर हो जाएंगी, और डेल ऑफ डेल फाई कॉस फाई, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन फाई हो गया, और ये आर साइन थीटा एज इट इज है, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस कॉस का साइन फाई, और ये आर साइन थीटा एज इट इज। ओके चलिए सब, अब देखिए इसी तरह हमें सेकेंड रो कवर करनी है, फिर थर्ड रो कवर करनी है, ठीक है। तो आप ये देखिए ये हम पेज हटा रहे हैं, तो आप ये याद रखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा फाई, तो ये कवर करना है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर, प्रोसीजर सेम है, कैसे करना है, डेल्टा अपॉन डेल्टा आर लिखिए और वाई की वैल्यू पुट कर दी। यहां पर देखिए आर को आपको रखना है ब्रैकेट के अंदर डेल्टा के साथ, बाकी आउट हो जाएगा पार्ट, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट रेट होगा, साइन थीटा साइन फाई ये बाहर हो जाएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा आर इसकी वैल्यू वन होती है, तो हमने साइन थीटा साइन फाई हमारा मिल गया। ओके फिर देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा थीटा, देखिए यहां पे फर्स्ट पेज में हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, देखिए कवर क्या करना है, वाई डेल्टा आर, डेल्टा वाई डेल्टा थीटा, डेल्टा वाई डेल्टा फाई। ओके तो देखिए थीटा थीटा वाला पोर्शन फिर अंदर रखना है, बाकी को हमें कॉन्स्टेंट समझ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए बाहर कर देना, आर साइन फाई बाहर हो जाएगा हमारा, और साइन थीटा वाला पोर्शन डिफ्रेंशिएट होगा। ओके तो ये हो गया आर साइन थीटा, और साइन थीटा का आर साइन फाई और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, वो हो गया। उसी तरह देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा फाई, डेल्टा अपॉन डेल्टा फाई और वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब यहां फाई के साथ साइन फाई रह जाएगा और आर साइन थीटा बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो आर साइन थीटा साइन का होता है कॉस, तो साइन फाई यहां तो कॉस फाई हो गया। ओके देखिए उसी तरह जेड, अब जेड हमारा क्या है आर कॉस थीटा, जेड की वैल्यू क्वेश्चन में देखिएगा आर कॉस थीटा जेड इक्वल, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा आर, देखिए यहां भी यही तीनों करने हैं, डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, और उसी तरह एक्स के साथ सॉरी एक्स हाँ एक्स के साथ भी डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाई, तीनों के साथ ऐसे करना है, तीनों वेरिएबल के साथ जो ऊपर वाले हमारे हैं, ठीक है एक्स वाई जेड। तो देखिए डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा आर, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा आर रख दिया, जेड की वैल्यू आर कॉस थीटा, तो आर तो डेल्टा के साथ रहेगा, बाकी कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, इस पार्ट की वैल्यू वन होती है तो कॉस थीटा हो जाएगा एज इट इज। डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा यहां पे भी यही करेंगे, देखिए यहां कॉस थीटा अंदर रह जाएगा डेल्टा के साथ, और आर कांस्टेंट है तो आर कांस्टेंट बाहर हो गया, कॉस थीटा होगा तो होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा तो ये हो गया, और आर ये हमारे पास है तो माइनस आर साइन थीटा हो गया। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा फाई, जेड की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, चूंकि यहां फाई है नहीं तो ये पूरा हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जीरो। ओके अब ये सारी वैल्यू इसको हमने देखिए इक्वेशन वन ट्रीट किया है, ये देखिए हमारा इक्वेशन वन ये है, तो इन सारी वैल्यूज को जो कुछ हमने कैलकुलेट किए ये सारी वैल्यूज इसमें ये यहां पुट कर देंगे, तो ये हमारा पुट करने के बाद ये फाइनल आ गया। अब देखिए इसको पुट करने के बाद जो हमारा आया है, और यहां पे देखिए देखिए यहां पे क्या हो रहा है आर, अब आपको यहां डिटर्मिनेंट की थोड़ी प्रॉपर्टी समझनी है, तो हम इसको सामने रखते हैं ताकि दोनों पेज आपको दिखे, विजिबल हो नहीं रहे दोनों पेज, देखिए ऐसे ये हो रहे हैं। चलिए हम थोड़ी देर इस पेज को ऐसे करते हैं ताकि आप यहां समझ सकें चीजों को, बल्कि इसको और अच्छा करें ये देखिए ये इसके बाद जो कंटिन्यू हुआ है ये नेक्स्ट पेज है। ओके तो देखिए ये जो कंटिन्यूएशन हुआ, अब देखिए यहां पे समझिए ये ऐसे करिए पोर्शन कवर हो जाए, हाँ देखिए इसके बाद ये स्टेप हम अगला पेज अभी कर लेंगे। अब देखिए आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये समझनी है कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम में अगर कोई कॉमन पोर्शन है तो वो हम बाहर ले लेंगे डिटर्मिनेंट के, वो मल्टीप्लाई हो जाए मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इस पूरे कॉलम में आर है तो आपने आर बाहर ले लिया, इस पूरे कॉलम में आर है अब आप कहेंगे हाँ आर तो है नहीं, तो आर से मल्टीप्लाई करिए, आर इंटू जीरो क्या होगा जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स यहां आप आर सपोज कर सकते हैं कि ये आर इंटू जीरो है, तो यहां भी आर हो गया यहां भी आर हो गया यहां भी आर हो गया, तो इस आर को हम क्या करेंगे बाहर हो गए, इधर भी आर बाहर, दोनों आर बाहर हो गए। अब देखिए यहां कॉलम में क्या है साइन थीटा यहां भी यहां जीरो है तो यहां भी साइन थीटा और सपोज कर लीजिए, तो यहां से साइन थीटा मिल गया। ओके तो ये पोर्शन कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा हमारा क्या, ये तो एज इट इज रहेगा, यहां से आर हटा के बाकी लिख देंगे वैल्यू, देखिए आर हटा के वैल्यू लिख दी, और यहां पे आर साइन थीटा दोनों कॉमन लिया है तो आर साइन थीटा हटा के बाकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है तो ये वैल्यू समझ में आ गई होगी आपको, इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं, देखिए
यहां से हमने r कॉमन लिया, r को हमने बाहर कर दिया, इधर से r साइन थीटा कॉमन लिया, क्योंकि हम यहां जीरो है तो जीरो में r साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स हम ये मान सकते हैं कि यहां पे r साइन थीटा इंटू जीरो है, तो r साइन थीटा सब में हो गया, तो r साइन थीटा यहां से ले लिया और एक r यहां से ले लिया, तो वही लिया r r साइन थीटा। तो उसके बाद यहां ये तो एज इट इज हमारा लिख लिया हमने, यहां से r हटा के लिखेंगे और यहां पे r साइन थीटा हटा के, क्योंकि ये कॉमन हमने कर लिया। ओके, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम नए इस पेज पे नए सिरे से चलते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, अब इतना तो आप समझ गए। इसके बाद अब यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए, अगर इस लेवल पे आपको डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा होगा, देखिए पार्शियल के हेल्प से पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, अब जैकोबियन में वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बनाती है, तो डिटर्मिनेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहां पे आपको ये पता अगर नहीं होगा कि अगर कॉमन है तो उसको हम बाहर कर लेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। ओके, आपको 3/3 डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और इसके लिए हमने फर्स्ट ईयर के लिए, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के कुछ लेक्चर हमने एग्जाम पर्पज से डाउनलोड किए, अपलोड किए 4-5, तो उसमें जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हमने ये बताया है कि 2/2 और 3/3 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए, फिर आपको ये करने में आसानी होगी, और अगर आपको आता है तो कोई जरूरत ही नहीं वीडियो देखने की जब आप समझ रहे हैं। तो यहां पे देखिए वहां हमने कवर किया, फिर भी हम यहां पे फास्ट एक रिव्यू दे रहे हैं उसका। देखिए जब हम करते हैं तो बेहतर है कि आप नॉर्मली 2 पेन आप यूज करते हैं, तो 2 पेन आप यूज करिए। देखिए फर्स्ट रो की हेल्प से हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू करते हैं, फर्स्ट रो में क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो जब फर्स्ट में करेंगे तो फर्स्ट वाला देखिए फर्स्ट रो में है ये एक्सप्रेशन और ये फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को आप ढक दीजिए, ये पूरा पार्ट ढक दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, तो इस पोर्शन को लिख लीजिए, तो इस वाले पोर्शन से इस वाले एलिमेंट से फर्स्ट वाले एलिमेंट से यहां मल्टीप्लाई कर दिए साइन थीटा कॉस फाई और इन दोनों को कवर करिए। अब जो आपके पास बच रहा है ये दोनों देखिए बच रहा है, तो यही लिख दीजिए यहां पे। ओके, देन जब सेकंड लिखते हैं तो माइनस इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो माइनस के साथ आपने ये लिखा और फिर ये सेकंड वाला है तो सेकंड रो में है तो इसको कवर करिए, सेकंड कॉलम इसको कवर कर लीजिए। अब जो आपके पास क्या बच रहा है, ये दोनों, इन दोनों को आप लिख लीजिए, देखिए ये हम कवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा और ये क्या है, कॉस फाई और ये जीरो, ठीक है, और जब थर्ड लिखेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेंगे, वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां से क्लियर हो जाएगा। यहां ये प्लस चलेंगे, अब यहां माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे और ये इन दोनों को कवर करेंगे उस केस में, देखिए यहां के साथ जो भी रो और कॉलम का अटैच है उसको कवर कर देंगे, तो आपके पास क्या बच रहा है, देखिए ये पार्ट बच रहा है, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अगली चीज ये 2/2 की डिटर्मिनेंट बन गई। अब 2/2 की डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस मल्टीप्लाई दिस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस लगाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, देखिए यहां हमने किया है उसको, देखिए ये तो हमारा पोर्शन बाहर है ही साइन थीटा कॉस फाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां, और एक माइनस बीच में लगाया और इन दोनों को माइनस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए आप कर रहे हैं, सिमिलरली सेकंड में भी आप यही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए देन माइनस लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, थर्ड में भी आप यही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए एक माइनस लगाइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और अगर आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, आपको ये करना कंपलसरी नहीं, अगर यहां से डायरेक्ट आप यहां पहुंच सकते हैं देन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2/2 में और उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद बस सिंपल है कि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बहुत नहीं बचा है, ये कुछ पोर्शन कॉमन करते हुए यहां पे बस ये देखना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमारा इक्वल क्या होता है, 1 होता है, बस ये चीजें और यहां पे मिल जाती है आपको, तो कुछ प्लस माइनस करते हुए देखिए ये सारी वैल्यूज करते हुए आपको आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ये प्रूव हो जाता है। देखिए जैसे यहां पे है, अब पिछले वाले पेज को आप देखिएगा और ये कवर कर दीजिए, ये बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये 1 हो गया, यहां फिर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आया तो ये भी 1 हो गया, तो ये कुल हो ले देखे क्या मिला आपको आर स्क्वायर।